वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग फंडा। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे किडनी स्टोन के कॉज के बारे में और टाइप क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, किस कौन कौन टाइप के जो है किडनी स्टोन होते हैं। ठीक है, और किडनी स्टोन होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ इसके अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे इसका प्रिवेंशन क्या हो सकता है और इसका डायग्नोसिस क्या हो सकता है। तो चलिए आज का हम लेक्चर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि टाइप्स ऑफ किडनी स्टोन। किडनी स्टोन का मतलब बताया था कि क्या है, किडनी हमारी है, किडनी में जो होता है कहीं पर भी जो होता है एक पत्थर की स्टोन, मतलब क्या होता है हिंदी में इसका मतलब होता है पत्थर। ठीक है, छोटा टाइप का पत्थर हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, या कैल्शियम का हो सकता है। ठीक है, या फिर यूरिक एसिड का हो सकता है। लेकिन ये जब यहाँ पर हमारे बॉडी में जो है किडनी है, किडनी की नेफ्रॉन में हो जाए तो किडनी स्टोन। ठीक है, या फिर जो होता है हमारे ब्लेडर में हो जाता है। ठीक है, हो सकता है, या फिर जो होता है हमारा यूरेटर है इसमें भी किडनी स्टोन हो सकता है। ठीक है, तो इसका हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ जो होता है किडनी स्टोन कितने प्रकार की होती है। ठीक है, किडनी स्टोन जो होती है चार प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? चार प्रकार की। फर्स्ट कौन है? कैल्शियम। सेकंड कौन है? यूरिक एसिड का होता है, यूरिक एसिड। थर्ड कौन होता है? सिस्टीन होता है। और फोर्थ कौन होता है? स्ट्रोफाइट होता है। ठीक है, आप एक को पढ़ते हैं, कैल्शियम ऑक्सीलेट का। ठीक है, एक फर्स्ट को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कैल्शियम को। वैसे तो कैल्शियम किसकी वजह से होता है? कैल्शियम ऑक्सीलेट की वजह से होता है। ठीक है, ये जो किडनी स्टोन होता है ये मोस्ट कॉमन टाइप का होता है। मतलब जो होता है जितने पेशेंट होते हैं 100% पेशेंट में जो होता है 80% जो किडनी स्टोन होता है किसका होता है? कैल्शियम का होता है। किसका होता है? कैल्शियम की वजह से जो होता है किडनी स्टोन होता है। सेकेंड चीज, ये एक्चुअली होता क्यों है? ठीक है, क्यों होता है? अगर हम जो होती है, अगर हम दवा मेडिसिन ले रहे हैं, हमें जरूरत नहीं है बॉडी में कैल्शियम की, फिर भी हम क्या कर रहे हैं कि कैल्शियम की गोली खा रहे हैं, विटामिन डी की गोली खा रहे हैं, जो कि हमारे बॉडी में जरूरत नहीं है। तो क्या होगा, जब जरूरत नहीं रहेगा, एक्स्ट्रा हो जाएगा तो हमारे बॉडी में इकट्ठा होगा और स्टोन का फॉर्मेशन कर देता है। या फिर डाइट में ले रहे हैं, रिच डाइट ले रहे हैं, हैवी जो है मिल्क ले रहे हैं, हैवी जो होता है दही वगैरह ले रहे हैं, कर्न ले रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है? कैल्शियम ऑक्सीलेट बढ़ने का चांसेस हो सकता है। तो हमें क्या होगा, ये किडनी स्टोन कॉज कर सकता है। सेकेंड हमारा है यूरिक एसिड स्टोन। ठीक है, यूरिक एसिड की वजह से भी हो सकता है। ये यूरिक एसिड क्या होता है, यूरिक एसिड कैसे बनता है? ये जो होता है जब प्रोटीन का ब्रेक डाउन होता है तो यूरिक बनता है, यूरिक एसिड बनता है। ठीक है, अगर इसका अगर बॉडी से नहीं निकल पाएगा नेफ्रॉन के थ्रू, हमारे किडनी के थ्रू जो होता है, अगर इकट्ठा होने लगेगा हमारे बॉडी में तो किडनी स्टोन का ये रूप ले लेता है। ठीक है, अब ये जो होता है 5-10% केसेस में देखा गया है, 5-10% जो स्टोन होता है किसका होता है? यूरिक एसिड स्टोन का होता है। ठीक है, ये क्यों होता है? इसका फॉर्मेशन जब हमारे बॉडी में जो होता है यूरिक एसिड का जो होता है लेवल ज्यादा हो जाएगा तो फॉर्मेशन होता है। इट मीन जो होता है प्रोटीन का ब्रेकडाउन लार्ज अमाउंट में होता है, हम फास्टिंग कंडीशन में है और जो खाना नहीं खा रहे हैं तो हमारा प्रोटीन का ब्रेकडाउन होगा, प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है तो यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होगा ज्यादा होगा तो किडनी का ले सकती है, तो उसको क्या बोलेंगे? यूरिक एसिड स्टोन। थर्ड हमारा क्या है? सिस्टीन। सिस्टीन क्या है? क्या है? एमाइनो एसिड है। ठीक है, अगर ये कितने प्रकार का होता है, ये 1-2% जो होता है ऑल स्टोन का ही होता है, मतलब कि जो 1-2% जो होता है किडनी स्टोन की वजह से हो सकता है। इसका मोस्ट कॉमन काज क्या होता है? जेनेटिक की वजह से होता है। ठीक है, ये एमाइनो एसिड की किस वजह से? जेनेटिक की वजह से, कोई जेनेटिक। और जो सिस्टीन होता है, ठीक है, ये कब होता है? फॉर्म जो अगर हमारे बॉडी में जो होता है, यूरिन में जो होता है या फिर ब्लड जो होता है, अगर उसमें जो होता है सिस्टीन का लेवल ज्यादा रहेगा तो क्या होगा? सिस्टीन किडनी स्टोन हो सकता है। फोर्थ हमारा कौन है? स्ट्रोबिट। क्या है? STRUVIT। ठीक है, ये काफी रेयर होता है, ये बहुत कम पेशेंटों में देखने को मिलता है। क्यों होता है? एक्चुअली इसका कारण होता है UTI। UTI क्या होता है? यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन। ठीक है, अगर किसी पेशेंट में जो होता है यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन होता है तो क्या चांसेस, बहुत रेयर होता है, बहुत कम चांसेस होते हैं कि हो जाए, लेकिन इन चांसेस कभी कभी पेशेंट को हो जाता है तो उसको बोलते हैं स्ट्रोबिट किडनी स्टोन। ठीक है, अब इसकी हम बात करते हैं कॉज की। ठीक है, कि इसके कौन कौन से कारण होते हैं जिसकी वजह से किडनी स्टोन जो होता है पथरी हमारे बॉडी में हो सकती है। ठीक है, सबसे मोस्ट कारण, सबसे पहला कारण क्या है? हाइपर कैल्शियम। मतलब कि बॉडी में जो है कैल्शियम का लेवल ज्यादा हो सकता है, कैसे? डाइट के माध्यम से या मेडिसिन ले रहे हैं उसके वजह से, या फिर क्या होगा? हाइपर थायराइडिज्म। ठीक है,
थायराइड ग्लैंड में जो होता है जहां सेक्रेशन हुआ है उसकी वजह से भी हो सकता है। सेकेंड चीज है या फिर जो होता है सोडियम का इंटेक ज्यादा करेंगे उसकी वजह से भी हम क्या हो सकता है किडनी स्टोन हो सकता है, या फिर जो होता है जीआई डिसऑर्डर किसी प्रकार का हो जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया या फिर इंफ्लेमेटरी बाउल डिजीज हो गया, इसकी वजह से क्या हुआ हमारा डाइजेशन जो होता है इम्प्रॉपर होगा, ठीक है, उसकी वजह से भी क्या होता है कि हमें किडनी स्टोन कॉज कर सकता है। फोर्थ वाला क्या है रिकरेंट यूटीआई, मतलब क्या है लगातार हमें जो है इन्फेक्शन हो रहा है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रहा है तो उसकी वजह से क्या होता है किडनी स्टोन हो सकता है। और जैसे कोई डिजीज होती है, ठीक है, जैसे क्या है गाउट डिजीज होती है, इसमें क्या होता है कि यूरिक एसिड का जो होता है डिपोजिशन होता है कहां पे होता है हमारे ज्वाइंट में, तो हमें पेन होता है, ठीक है, अगर उस समय यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है, ठीक है, वहां पे एक्युमुलेशन होने लगा, जब ज्वाइंट में एक्युमुलेशन कब होगा, एक्युमुलेशन जब होगा जब उसमें बॉडी में लेवल उसका ज्यादा हो, तो बॉडी में लेवल ज्यादा होगा तो यूरिन में ज्यादा होगा ब्लड में ज्यादा होगा तो क्या होगा उसको किडनी स्टोन होने के चांसेस बन जाते हैं, ठीक है। या फिर पेशेंट जो है डिहाइड्रेशन करता है, लंबे समय तक पानी नहीं पीता है, अपने आप को निर्जलीकरण करता है, उसकी वजह से भी हो सकता है। या फिर जो होता है कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जैसे क्या डायबिटीज मेलिटस हो उसकी वजह से भी हो सकता है। या फिर जो होता है हम खा रहे हैं ऐसा कोई खाना खा रहा है जिसमें जो है प्यूरिन जो होता है उसका ज्यादा मात्रा में हो, ठीक है, और प्यूरिन कहां पाया जाता है प्यूरिन मोस्टली पाया जाता है किसमें एनिमल फूड में एनिमल मीट्स में, ठीक है, उसकी वजह से भी हो सकता है, इसके हो सकते हैं इंक्रीज इनटेक ऑफ एनिमल मीट और टू मच यूरिक एसिड। या फिर जो होता है यूरिक एसिड जो होता है हमारे बॉडी में जो होता है इसका ज्यादा सेक्रेशन ज्यादा बने उसकी वजह से भी हो सकता है, ठीक है। लो एक्टिविटी पेशेंट कोई है वो कम एक्सरसाइज कर रहा है चल फिर नहीं रहा है दिन भर बैठा है तो उसको भी होने के चांसेस हो जाते हैं। ओबेसिटी की वजह से हो सकता है मोटापा उसकी वजह से हो सकता है। या फिर जो होता है हाइपरथायरॉइडिज्म था हाइपर पैराथायरॉइडिज्म, ठीक है, और हाइपरथायरॉइडिज्म दोनों कंडीशन की वजह से क्या होता है किडनी स्टोन का फॉर्मेशन हो जाता है क्योंकि ये जो होता है विटामिन डी की अब्सॉर्प्शन को बढ़ा देते हैं, ठीक है। और क्या है अगर बॉडी में जो होता है इंटेक कर कैल्शियम को ज्यादा हो जाए विटामिन डी का इंटेक कैल्शियम बॉडी में ज्यादा हो तो उसकी वजह से भी हो सकता है, ठीक है, जेनेटिक की वजह से हो सकता है। और जो होता है मैग्नीशियम की अगर डिफिशियंसी या कमी हो जाएगी बॉडी में उसकी वजह से भी किडनी स्टोन हो सकता है। अब इसकी बात करते हैं साइन एंड सिम्टम की, ठीक है। पहला साइन एंड सिम्टम क्या है मोस्ट कॉमन क्या होता है पेन होता है, ठीक है, पेन होता है कहां पेन होता है उसके बैक में होगा, ठीक है, या फिर जो होता है उसको लोअर जो एब्डोमेन होता है वहां पर इसको पेन देखने को मिलता है, ठीक है। और ये जो पेन जो होता है ना वो मोस्टली कब दिखता है नाइट कंडीशन में रात में दिखता है या फिर अर्ली मॉर्निंग में, क्यों, क्योंकि उस समय जो होता है हमारे बॉडी में जो होता है हमारे बॉडी में जो होता है वाटर की जो है कमी रहती है उतना पानी इंटेक नहीं करते उसकी वजह से हमें पेन ज्यादा देखने को मिलता है। सेकेंड है फीवर होगा उसको बुखार होगा और उसको चिल्स होगी ठंड भी लगेगी मेलाइज कंडीशन होगी पेशेंट को, ठीक है, नोजिया उसको होगा वोमिटिंग हो सकती है, ठीक है, और उसके ब्लड में यूरिन आएगा उसको बोलेंगे हिमेटुरिया, क्या बोलेंगे हिमेटुरिया, ठीक है। इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन पास, ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी की यूरिन जो होती है वो पास ज्यादा करेगा पेशेंट जो होता है आधे घंटे में हर 15 मिनट में उसको लगेगा फिर ऐसा लगेगा कि उसको बार बार पेशाब आ रहा है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे पॉलीयूरिया कंडीशन बोलते हैं। क्लाउडी यूरिन होती है, ठीक है, यूरिन जो होती है क्लाउडी रहती है दुधली टाइप हो जाती है मतलब पारदर्शी तरह हो जाती है, ठीक है। और पेशेंट को डायरिया भी हो सकता है उसको एब्डोमेन जो होता है उसका पेट जो होता है उसमें डिस्कम्फर्ट होगा वहां तकलीफ होगी उसको उसको कुछ लगेगा कि हमारे बॉडी में कुछ चुभ रहा है कुछ हो रहा है उसको आराम नहीं मिलेगा, ठीक है, उसको काफी बेचैनी होती है और उसको डिस्यूरिया हो सकता है, उसका यूरिन का पास आउट जो होता है काफी कम हो 100 ml से भी कम हो सकता है उसको यूरिन का पास आउट जो होता है काफी कम हो सकता है और उसका यूरिनरी टेंशन भी हो सकता है अगर ब्लॉकेज जाएगा तो यूरिन बाहर नहीं निकलेगा तो क्या होगा यूरिन इकट्ठा होने लगेगा यहाँ पे और उसको बोलेंगे यूरिनरी रिटेंशन इडिमा हो सकता है उसकी वजह से उसको इडिमा बोल देंगे या फिर जो होगा उसमें जो होता है स्मॉल अमाउंट ऑफ वाइडिंग यूरिन मतलब कि जो है बहुत थोड़ी मात्रा में जो होता है यूरिन जो होती है बाहर निकलेगी, ठीक है। और जब पेशेंट जो होता है वाइडिंग करता है ठीक है जब पेशाब करता है तो उसको क्या होगा उसको पेन जो होता है उसको उस समय फील होगा,